दोस्तों, आज हम जो मोटर वाइंडिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके जो डेटा है, टेक्निकल डेटा जो कि वाइंडिंग का डेटा है इसका, उस पर दोस्तों एक नज़र मारेंगे, क्योंकि डाटा मैंने काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम के बाद मैंने ये डाटा अरेंज किया है मेरे भाई साहब के पास से, जो कि फरीदाबाद में रहते हैं। तो दोस्तों, इस डेटा को मैंने व्हाट्सएप पर लेकर मैंने इसको मेरी जो डाटा डायरी है उसके अंदर मैंने इसको नोट कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये डेटा कंप्लीट देख लें आप, क्रॉम्पटन की जो हमारी 130 mm पाइप बॉडी मोटर होती है उसका ये डेटा है दोस्तों। तो दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा इसमें। देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3 HP सिंगल फेस की जो मोटर है, ये मैंने डेट भी डाला है 8/8 को मेरे पास ये आया है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, जो देख पा रहे हैं कंप्लीट, मैंने इसमें बिल्कुल 140 से 240 वोल्ट पे ये मोटर चलती है दोस्तों। 15 एम्पियर इसके बगैर रनिंग कैपेसिटर के आते हैं, और रनिंग कैपेसिटर लगाने के बाद में 8 एम्पियर इसके आते हैं दोस्तों। 30 UF का इसमें रनिंग कैपेसिटर लगाना है आपको, 200-250 या 280-275 UF का आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर जो इसका लगाना है। 36 स्लॉट की दोस्तों ये मोटर है। कनेक्शन भी मैंने इसमें देखिए सीरीज कनेक्शन 1 से 3 लिख दिए हैं, और जो इसमें सीट हम यूज कर रहे हैं 10 नंबर फ्लैक्सी थर्म का दोस्तों, और मोटर का स्टेटर साइज भी इसमें लिखा हुआ है 130 mm, और रोटर की जो डायल है वो भी इसमें 13.3 इंच। तो दोस्तों देखिए, गेज इसका और टर्न पिच सब इसमें लिखे हुए हैं। ट्रिपल गेज इसमें 19 नंबर, और टर्न इसके 13, 17, 19, और टोटल वज़न इसका दोस्तों 2200 ग्राम, क्योंकि 550 ग्राम का इसका एक सेट है, तो 2200 ग्राम टोटल वज़न। ये इसका स्टार्टिंग डाटा दोस्तों देखिए, 6/8-10 पिच हैं। तो इसमें दोस्तों हम छोटे फर्मा का जो हमारा यूज करेंगे स्टेप वाला, लंबाई भी इसकी जगह दोस्तों आप बड़े फर्मों को भी लगा सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें टोटल 900 ग्राम वज़न आएगा स्टार्टिंग में, 19.5 नंबर हमने इसमें डाला है। तो दोस्तों, इसकी पिच भी और टन सारे कंप्लीट लिखे हुए इसमें लेंथ सहित। तो टोटल वज़न इसका 3 किलो 100 ग्राम आने वाला है दोस्तों। चलिए, इसका जो कनेक्शन डायग्राम है उसको भी एक बार देख लेते हैं। कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल 1 से 3 या फिर अंदर अंदर के बार बार के जो जुड़ते हैं उस टाइप से ही बिल्कुल सिंपल कनेक्शन आते हैं क्रॉम्पटन की मोटर के अंदर, जो कि क्रॉम्पटन की सिंगल फेस की सभी मोटरों में दोस्तों सिंपल कनेक्शन ही आते हैं, डबल डेल्टा आते नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए, ये जो रनिंग कॉइल है हमारी, इस टाइप से 4 सेट डल रहे हैं, ये अंदर और बाहर के इनके सिरे बना दिए हैं कोयलों के। तो दोस्तों, इसमें हम कोई भी 2 वायर बाहर के किसी भी सेट के, पहली और दूसरी कॉइल के, ये हमारे सप्लाई के हो गए। उसके बाद में दोस्तों अंदर अंदर के आपको जोड़ लेने हैं 1 से 3, या फिर आप अंदर अंदर के बाहर से बाहर के जोड़ेंगे तो बिल्कुल सीरीज आपकी ओके आएगी। ये एक और बीच में एक छूट गया है, ये तीसरे में ये जुड़ गया है इसका, और इसी टाइप से जो जुड़ा हुआ है उसको भी काउंट करेंगे 1 से 3, ये तीसरा जो बीच में रह गया तो ये भी 1 से 3 ही जुड़ता है वैसे, बाकी अंदर अंदर के और बार बार के भी। तो दोस्तों सेम यही कनेक्शन इसके स्टार्टिंग कॉइल के हैं। तो चलिए, मोटर वाइंडिंग देख लेते हैं। तो मोटर का पूरा वीडियो नहीं बनाया है, बाकी आप देख लेंगे, एक कॉइल 5-7 रो बीच में इस टाइप से हमने डाली है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और किसी ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप से हमने स्टार्टिंग और रनिंग सभी सेट मोटर के अंदर डाल लिए हैं। सभी सेट डालने के बाद में देखिए दोस्तों,
अभी इस मोटर के हमने कनेक्शन किए नहीं है, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको इसके कनेक्शन और फिनिशिंग कंप्लीट दिखाएंगे और चेक करके भी दिखाएंगे मोटर को चलाकर, बगैर रनिंग कैपेसिटर के भी चलाएंगे हम कि कितने एम्पियर लेती है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, इसकी कहीं से नहीं करना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। पेपर देखिए आप, हमने फ्लेक्सी थर्म का ही कंप्लीट यूज़ किया है इसके अंदर बाइंडिंग के अंदर, जो कि काफ़ी हीट झेलता है। दोस्तों देखिए फर्स्ट में हम कनेक्शन के दूसरी साइड है मोटर की, उस साइड में हम जो सेपरेटर पेपर है उसको लगा लेते हैं स्टार्टिंग रेड कॉइल के बीच में। पेपर लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है एक भी वायर आपका स्टार्टिंग रेडिंग का क्रॉस होना चाहिए। प्लास्टिक हैमर का यूज करना है ताकि वायर डैमेज नहीं हो, स्क्रैच नहीं हो। कॉटन टेप का यूज मोटर में करना है ताकि अच्छे से खींच के टाइट कॉइल बन सके। कनेक्शन साइड आ गए, सभी वायरों को सीधा कर लेंगे। स्टार्टिंग के साइड दोस्तों हमने ज्वाइंट साइज डाले हैं इसके दो दो साइड, स्टार्टिंग के टोटल हमारे चार की रही है। सेपरेटर लगा लेंगे, सेपरेटर बिल्कुल सेफ्टी से लगाएंगे। उसके बाद इधर के कॉइलों के सिरे हैं इन पर डबल सिलू लगाकर हम सप्लाई के लिए सीधे कनेक्शन बाहर निकालेंगे इसके। दोस्तों रनिंग के जो कनेक्शन है हमने बाहर निकाल दिए फर्स्ट में डबल सिलू लगाकर, सीधी जो हमारी मोटर की कॉइल है उनको ही सीधा बाहर निकाला है। इस टाइप से दो नंबर और इसमें पांच नंबर सिलू का यूज करेंगे हम, एक से तीन जोड़ने हैं दोस्तों। यह छोटी से छोटी कॉइल, बड़ी से बड़ी कॉइल, इस टाइप से भी आप जोड़ सकते हैं। सीरीज में ही कनेक्शन जोड़ेंगे दोस्तों, डबल डेल्टा नहीं। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, जैसे कि हम कूलर के मोटर में करते हैं उसी टाइप की। दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का, इसको भी हम डबल सिलू लगाकर एक नंबर और दो नंबर सिलू लगाकर सीधा बाहर निकाल लेंगे। दूसरा सिरा स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों डाटा अरेंज किया है, तो एक बार हम इसको फालतू वायर उसको कट कर देंगे। रेफ्रिजरेशन वगैरह और एसी में यूज करते हैं, इस टाइप से आपको कनेक्शन वायर जो हमने इसको वेंट लगाई है इस टाइप से भी आपको लगाना है। इस टाइप का जो वेंट है कभी भी लीकेज या फिर सल्फेशन आने पर खराब नहीं होता और मोटर भी काफ़ी अच्छी चलती है। देखिए दोस्तों
काफ़ी टाइम भी बचता है, इतने वार खेलने नहीं पड़ते बार बार, वार खेलने में काफ़ी वक्त लग जाता है और उससे भी आपका जो ज्वाइंट है लूज हो सकता है, तो किसी टाइप से ज्वाइंट लगाएं। आसानी से ज्वाइंट लग जाते हैं। तो ब्रेजिंग बिल्कुल ठंडी होने के बाद में देखिए इस टाइप से ज्वाइंट के ऊपर जो भी आपका स्लीव फिट आए, दो नंबर या तीन नंबर लगाकर ऊपर से स्लीव को कवर कर दें और वायर को सेट कर लेंगे इस टाइप से। वायर काफ़ी ज़्यादा और मोटे हो गए हैं इसके अंदर, छः वायर एक ज्वाइंट के अंदर है दोस्तों, छः वायर जो कि 19 नंबर के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें ब्रेजिंग का यूज किया है। बाकी आप सभी मोटरों में ब्रेजिंग का ही यूज करें, गैस वेल्डिंग कॉपर का, जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है और ईजी भी हो जाता है। तो दोस्तों इसी टाइप से आपको मोटर के सभी ज्वाइंट लगाने हैं हमेशा, ताकि आपकी मोटर है जो कभी भी कनेक्शन से ये दोस्तों सेफ्टी पेपर जो कि हमारी रनिंग कॉइल के ऊपर लगाया हमने, ताकि जो कनेक्शन की हीटिंग है उससे हमें हमारी जो मोटर की रनिंग कॉइल है वो डैमेज नहीं हो। तो दोस्तों कॉटन टेप से इसको कंप्लीट कॉइलों को खींचकर अच्छे से टाइट बांध लेंगे। तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट हमने जो वायर निकाले हैं इसके, ये देखिए एक स्टार्टिंग और रनिंग की लीड लेकर इनको हम कॉमन बना लेंगे, क्योंकि वार्नेस हम बाद में डालने वाले इस मोटर में, फर्स्ट में इसके एम्पियर और चलाकर चेक करेंगे, क्योंकि डेटा हमने अरेंज किया है तो एक बार चेक करना ज़रूरी है मोटर को। ये रनिंग कैपेसिटरी का जो कि 30 UF का है, 30 UF या 30 MFD एक ही बात होता है, इसको एक रनिंग वायर के साथ और एक हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है उसके साथ परमानेंटली लगाएंगे, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यू लगता है मोटर पे दोस्तों। इसको लगाने के बाद में दोस्तों देखिए जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके वायर भी हम कनेक्ट कर लेंगे, एक वायर हम जो रनिंग कॉइल का है उस पर परमानेंटली जोड़ देंगे और एक वायर को हम लूज रखेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लिच प्लेट हमने इसमें अंदर अभी लगाया नहीं है, सिर्फ टेम्परेली हम इसको चेक कर लेंगे एम्पियर, उसके बाद में वार्निश करने के बाद में कंप्लीट फिट करेंगे इसको, तब हम इसमें कनेक्शन बॉक्स और इसका क्लच प्लेट भी लगाएंगे। तो दोस्तों क्लैंप टेस्टर का यूज करेंगे हम एम्पियर चेक करने के लिए। एसी एम्पियर रेंज पर हमने रखा है मीटर को 200 रेंज पर। ये दोस्तों देखिए हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है करंट देकर एक बार लगाकर हटा लिया हमने। दोस्तों देखिए 9 एम्पियर मोटर के आ रहे हैं टेम्परेली टेस्टिंग के अंदर, मोटर काफ़ी आराम से चल रही है दोस्तों, बिल्कुल वाइब्रेशन भी नहीं है मोटर के अंदर, तो डेटा हमारा एकदम ओके है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ये जो मोटर का स्टेटर है बिल्कुल खाली आया था, इसके अंदर कोई स्क्रैप और वायर नहीं आए,
तो दोस्तों मैंने इसको डेटा अरेंज करके वाइंडिंग किया है, बिल्कुल मोटर एकदम ओके चल रही है, बिल्कुल थोड़ा फिटिंग कंप्लीट होने पर 8 एम्पियर ही आएंगे इसके। तो दोस्तों एक बार हम जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है 30 UF का, उसको हटाने के बाद में चेक करेंगे कि मोटर के एम्पियर कितने आते हैं। मोटर के लगभग 15 एम्पियर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों लगभग 13 एम्पियर आ रहे हैं बगैर रनिंग कैपेसिटर के। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अब हम वायरनेस को अच्छे से डालेंगे मोटर के अंदर, जो कि डॉक्टर बैग कंपनी का है, अच्छे से बिल्कुल। और पेपर भी प्रेस करने हैं दोस्तों, वाइंडिंग के कोई पेपर ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।